दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमर्सन एसएमपीएस में फ्लोट वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज कैसे सेट किया जाता है। अब हम इसका दरवाजा खोलेंगे तो ये अंदर के इंटरनल पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो इसमें हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये सारे मॉड्यूल लगा हुआ है और यहाँ पे इमर्सन का ये कंट्रोलर है, ठीक है। तो अभी ये फ्लोट चार्जिंग है। अब इसका सेटिंग करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे इंटर दबाना है, इंटर प्रेस करेंगे। ये अलग अलग चीजें इसमें सेटिंग है, स्टेटस है, तो इतना कुछ हमको नहीं देखना है क्योंकि हमें वोल्टेज फ्लोट वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज की जानकारी चाहिए, उसी का हमें सेटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके हम इंटर करेंगे, ठीक है। हमको करना क्या है, फ्लोट और बूस्ट वोल्टेज का सेटिंग करना है, तो वो होगा हमारा बैटरी में जाके। तो हम डाउन करेंगे और बैटरी वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये देखिए ये जो एरो है, ये वाला एरो, ये ऊपर नीचे होता है, तो ये अभी हमने नीचे किया, ये बैटरी पे आके रुक गया है, ठीक है। तो इस पे हम इंटर करेंगे। ये बैटरी में अलग अलग चीजें हैं, तो ये जो फ्लोट और बूस्ट वोल्टेज है ये चार्जिंग से रिलेटेड हो गया, इसलिए हम चार्जिंग में जाएंगे। ये वाला एरो यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटर दबाएंगे, ठीक है। तो ये फ्लोट वोल्टेज इसका 53 सेट है, ठीक। तो इसको हमें चेंज करना है, इसके लिए हम इंटर दबाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि फ्लोट वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज का सेटिंग किस आधार पे होता है और कैसे किया जाता है, किस हिसाब से हम फ्लोट वोल्टेज रखेंगे और किस हिसाब से बूस्ट वोल्टेज। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैटरी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम बैटरी को देखते हैं। बैटरी बैंक देखिए, ये बैटरी बैंक है, ठीक है। ये बैटरी बैंक है पूरा, और इसके ऊपर ये बैटरी बैंक के ऊपर ये नेम प्लेट लगा होता है, इसका सारा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इसमें हमें देखना है फ्लोट वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लोट वोल्टेज लिखा हुआ है, फ्लोट वोल्टेज कितना होना चाहिए, 53.52 होना चाहिए फ्लोट में, और बूस्ट वोल्टेज कितना होना चाहिए, 55.20। तो इसी का को बेस मान के इसमें इमर्सन वाले एसएमपीएस या किसी भी एसएमपीएस में सेट किया जाता है। तो जैसा कि आपने देख लिया, फ्लोट वोल्टेज 53.5 वोल्ट है और बूस्ट वोल्टेज 55.2 है। अगर आपसे पूछ दे अमर राजा सेल बैटरी बैंक का फ्लोट वोल्टेज क्या है, तो उसको बताना है 53.5 और बूस्ट वोल्टेज बताना है 55.2। तो चलिए इसी के हिसाब से हम एसएमपीएस में फ्लोट वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज सेट करते हैं। तो फिर दोबारा से चलते हैं हम एसएमपीएस। एक्चुअल में ये एसएमपीएस ऑनलाइन है, इसके मॉड्यूल चल रहा है, इसीलिए इतना आवाज आ रहा है। तो ये इसके मेन मेन्यू है, इसको हम इंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे स्टेटस सेटिंग है, सेटिंग में आके इंटर करेंगे। तो ये अभी एडमिन पे सेलेक्ट है, ये नीचे इंटर पासवर्ड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इंटर पासवर्ड के पास आएंगे, ठीक है। तो डाउन वाला हम बटन प्रेस करेंगे, ये आ गया। एक बार इंटर दबाएंगे, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाया, एक बार इंटर किया और एक बार और इंटर करेंगे, तो इस तरह से ये मेन्यू इसका खुल गया। अब हमें जाना है बैटरी में, ठीक है। बैटरी वाले मेन्यू में आएंगे, बैटरी में आके ये देखिए यहाँ पे बैटरी आ गया। अब हम इसको इंटर करेंगे। तो इसमें बेसिक है, चार्जिंग है, तो हमको क्या करना है, चार्जिंग में जाना है। ये वाला एरो चार्जिंग के पास आ गया, तो ये इसको हम इंटर करेंगे। ये 53 इसका फ्लोट वोल्टेज है, तो इसको हमें बढ़ा देना है। 53.5 हमने देखा था, उस पे डला था, तो 53.5 कर दिए, ठीक है। इस तरह से ये सेट हो गया इसका। अभी देखिए यहाँ पे 53 ही आ रहा है, धीरे धीरे इसका बढ़ेगा। देखिए ये 53.4 हो गया और हमने 5 सेट किया था, ये थोड़ी देर में ये देखिए ये 5 भी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसको बोलता है कि फ्लोट चार्ज में डाल दो। जब बैटरी डिस्चार्ज किया जाता है, C10 टेस्ट होता है, तो उसे करने से कुछ घंटे पहले, 12 या 24 घंटे पहले उसको बूस्ट चार्जिंग किया जाता है, ठीक है। तो बूस्ट चार्जिंग में हमने देखा था कि बैटरी पे जो बूस्ट चार्जिंग का वोल्टेज था वो था आपका 55.2, ठीक है।
तो इसको अगर 55.2 करना है तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। तो इसके वही सेम प्रोसेस है। इसमें देखिए बेसिकली जो है इसमें चार ही बटन होता है, एक अप का, एक डाउन का हो गया, ये ESC स्किप का हो गया, और ये इंटर का बटन हो गया। तो बूस्ट चार्जिंग करने के लिए, चार्ज का चार्जिंग सेटिंग करने के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। इंटर करेंगे, स्टेटस, ये अलग अलग चीजें हैं, हमको सेटिंग में जाना है, ठीक है। हमने एक बार पासवर्ड डाल दिया इसलिए ये दोबारा नहीं मांग रहा है पासवर्ड। बैटरी में जाएंगे, चार्जिंग में जाएंगे, और इसमें देखिए ये अलग अलग बैटरी का पैरामीटर्स है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फ्लोट वाला वोल्टेज है हम इसको बढ़ा देंगे, 55.2 कर देंगे। चलिए हम करते हैं इसको 55.2। इसमें जो अप वाला है इसको ऊपर करते रहेंगे, ठीक है। अब हम इंटर कर देंगे, ये कुछ मैसेज दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 55 से ऊपर सेटिंग नहीं हो पाएगा, 55 से ऊपर सेटिंग नहीं हो पाएगा, तो हमें मजबूरी में 55 ही रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये 55 हो गया, अब हम बाहर आ जाएंगे। अब देखिए इस पे धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ेगा, 53 हो गया, और वोल्टेज जैसे बढ़ेगा लोड भी बढ़ेगा, और इसमें SMPS के फैन का स्पीड भी बढ़ जा रहा है। ये देखिए 54.9 हो गया, ये 55 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने आपको दिखा दिया कि इस तरह से हम सेटिंग करेंगे। इसको हमें वापस सेटिंग कर देना है फ्लोट पे ही, तो फ्लोट पे दोबारा से सेटिंग करने के लिए हम इंटर करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, बैटरी में जाके चार्जिंग में जाएंगे, और इसको हम कम कर देंगे। तो इसमें बैटरी में हमने देखा था फ्लोट वोल्टेज था 53.5, तो इसको 53.5 कर देंगे हम फ्लोट चार्जिंग में। ये हो गया 53.5। अब हम बाहर आ जाएंगे, ये 55 है, ये धीरे धीरे 53.5 हो जाएगा। अब जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा वैसे वैसे इसका लोड भी कम होता जाएगा, आप देखते रहिए। जैसे 55 है, देखिए अभी 53.6 हुआ, लोड भी कम हो गया, ये इस हिसाब से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं फ्लोट बूस्ट का। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लोट वोल्टेज कहाँ से हम सेटिंग करते हैं और कितना होना चाहिए, और बूस्ट वोल्टेज कितना होना चाहिए और कहाँ से पता चलेगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।